छत्तीसगढ़ के कोरिया से खबर आ रही है, जहां जिला अस्पताल को ओपीडी केंद्र में भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां पूरा जिला मौसमी बीमारियों के चपेट में है, जिसके इलाज के लिए जिला अस्पताल प्रबंधन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, वहीं ओपीडी में मरीजों और उनके परिजनों के इलाज के लिए पर्ची बनवाने के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। हद तो तब हो गई कि जब गर्भवती महिलाओं को भी अपनी जाँच के लिए ओपीडी की लंबी लाइन में इंतजार करने को मजबूर होना पड़ रहा है। जब इस बारे में जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी आयुष जायसवाल से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं के साथ साथ बुजुर्ग लोगों के लिए भी पर्ची बनवाने के लिए अलग से काउंटर बनाया गया है। देखिए, ऐसे ऐसी के लिए हम लोगों ने एक अलग, जैसे वृद्ध जनों के लिए और एनसीओ के लिए हमने एक अलग एक ही काउंटर बनाया है, जिसे वृद्ध जन और एनसी की महिलाएं जो कि गर्भवती महिलाएं हैं उनको अलग कोई किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो करके हमने एक अलग काउंटर ही उनके लिए बना दिया। सर, ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर नहीं, जैसे देखिए, मैं जब से मैंने ज्वाइन किया है मैंने हर तरफ से उसको काफी आगे चलकर देख सकते हैं कि मैंने बहुत उसमें कार्य कराया है और बहुत अच्छी तरह से हमने, जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो प्राइवेट रूम रहता है, मैंने उस तर्ज पे इस पे यहाँ पे काम करने की पूरी कोशिश करी है।